हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं नितेश आपके इस यूट्यूब चैनल क्लासमेट नितेश पर एक बार फिर से वेलकम करता हूं आप सबका एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर के साथ। गाइस, आज का वीडियो लेक्चर हमारा प्रीपोजिशंस के ऊपर है। दो ऐसे प्रीपोजिशन एट एंड ऑन जिनके यूज़ में हम अक्सर गलती कर देते हैं, इनको रॉन्ग कर देते हैं बाय मिस्टेक। तो गाइस, क्यों ना आज इसका पूरा यूज़ समझ लिया जाए ताकि हम कोई मिस्टेक करें ही ना इनके यूज़ के बारे में। तो गाइस, आज का वीडियो लेक्चर हमारा इसके ऊपर ही होगा। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल क्लासमेट नितेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, उसे दबा दीजिए और पास ही एक बेल आइकन होगा उसे हिट कर दीजिए ताकि मैं फ्यूचर में जो वीडियोज़ बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। गाइस, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। यूज़ ऑफ एट, एट का यूज़ हम किस किस सिचुएशन में करते हैं सबसे पहले एट का ही देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम ऑन का यूज़ देखेंगे। तो गाइस, फर्स्ट हम एट का यूज़ करते हैं एग्जैक्ट टाइम दिखाने के लिए। जब भी किसी सेंटेंस में एग्जैक्ट टाइम दिखाया जाएगा तो हम एट का यूज़ करेंगे। उससे पहले मतलब कि नाउन या प्रोनाउन से पहले हम किसका यूज़ करेंगे, एट का। तो गाइस, चलिए इससे जुड़े दो एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है, वह 5 बजे उठ जाता है। तो कोई आदमी है या कोई लड़का है, वह 5 बजे उठ जाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस में देखिए आप, यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है, एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है कि वह 5 बजे उठ जाता है। मॉर्निंग में वह 5 बजे उठ जाता है, इवनिंग या मॉर्निंग कोई भी टाइम हो सकता है, फिक्स नहीं दे रखा है इसमें। तो यहाँ पर 5 बजे उठ जाता है तो एग्जैक्ट टाइम बता दिया, तो हम डेफिनेटली श्योर हैं कि यहाँ पर हम एट का यूज़ करेंगे इंग्लिश सेंटेंस में। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा, ही गेट्स अप एट 5 o'clock। अगला जो एग्जाम्पल है वह है, वह सुबह 10 बजे मेरे पास आई। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम दिया हुआ है कि वह मॉर्निंग में 10 बजे मेरे पास आई। तो यहाँ पर भी हमने एग्जैक्ट टाइम मिल गया हमको। जब भी हमको एग्जैक्ट टाइम मिल जाए तो हम आँख बंद करके वहाँ पर एट का यूज़ कर देंगे इंग्लिश सेंटेंस में। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा, शी केम टू मी एट 10 AM। तो यहाँ पर हमने एट का यूज़ किया। चलिए दूसरा यूज़ देखते हैं हम एट का, एग्जैक्ट एड्रेस बताने के लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं सेंटेंस में। जब भी एग्जैक्ट एड्रेस बताया जाए तो वहाँ पर हम एट का यूज़ करेंगे। चलिए इससे जुड़े कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। शिवानी जयपुर राजस्थान में रहती थी। तो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है कि शिवानी कहाँ रहती थी, राजस्थान, और राजस्थान में भी कहाँ, जयपुर में। यानी कि यहाँ पर राजस्थान की कैपिटल जयपुर का नाम लिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट तौर पर इस तरह से कह सकते थे कि शिवानी राजस्थान में रहती थे, शिवानी कहाँ रहती है, राजस्थान में। बट यहाँ पर यूँ बताया जा रहा है कि शिवानी जयपुर राजस्थान में रहती है। तो यहाँ पर राजस्थान की कैपिटल का नाम ले लिया, तो एक तरह से उसका जो एड्रेस है वो पूरा बता रहा है ये। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, शिवानी लिव्स एट जयपुर राजस्थान। जो सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, चंदन राधे नगर कोटा में रहता था। तो यहाँ पर जो चंदन है कोई आदमी, उसका भी एग्जैक्ट लोकेशन बता दी उसकी, जो वह कहाँ पर रहता था। तो उसके लिए भी हम एट का यूज़ करेंगे, चंदन लिव्ड एट राधे नगर कोटा। तो गाइस, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला यूज़ देखते हैं। तीसरा यूज़ हम इसका करते हैं एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए। जब भी हमें किसी की पोजीशन बतानी है कि वो एग्जैक्ट किस जगह पर है, तब हम वहाँ पर एट का यूज़ करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तीन ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं इससे जुड़े हुए। वह पहले स्थान पर है, कोई लड़का है जो कहाँ पर है, पहले स्थान पर है। कोई क्लास हुई या कहीं पर भी, वह पहले स्थान पर है। तो यहाँ पर हमने एक पोजीशन बता दी उसकी कि वह कहाँ पर है, वह पहले स्थान पर है। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा, ही इज़ एट द फर्स्ट पोजीशन। तो यहाँ पर हमने एट का यूज़ किया क्योंकि वह एक उसकी पोजीशन बताई जा रही है, एग्जैक्ट पोजीशन बताई जा रही है। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, वह अपनी कक्षा में शीर्ष पर थी। कोई लड़की है जो अपनी कक्षा में कहाँ पर थी, शीर्ष पर थी, सबसे ऊपर थी। तो यहाँ पर भी उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता दी गई। तो देखिए उससे जुड़ा एक इंग्लिश सेंटेंस क्या है, शी वॉज एट टॉप इन हर क्लास।
अगला जो एग्जाम्पल है तीसरा इसका, राम कक्षा में सबसे नीचे है। जो राम है वो कक्षा में सबसे नीचे है, मतलब पढ़ाई में हुआ या किसी भी चीज़ में हुआ, पर वो कक्षा में सबसे नीचे है। तो यहाँ पर राम की एक पोजीशन बताई जा रही है। इंग्लिश सेंटेंस बनेगा इसका, राम इज़ एट द बॉटम इन द क्लास। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए फोर्थ यूज़ देखते हैं। फोर्थ यूज़ हम करते हैं इसका, किसी की रेट हुई, कोई चीज़ है जैसे उसकी रेट या प्राइस हुई, पेस उसकी गति हुई, दिखाने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं सेंटेंस में। जब भी कोई रेट या पेस, दर या गति बताने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। तो चलिए इससे जुड़े दो या तीन एग्जाम्पल देखते हैं। उसने 70 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल बेचा। किसी ने 70 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल बेचा। तो यहाँ पर हमने, यहाँ पर कोई रेट बताई जा रही है, किसी चीज़ की प्राइस बताई जा रही है। तो उसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा, शी सोल्ड पेट्रोल एट ₹75 प्रति लीटर। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 70 आना चाहिए था, बाय मिस्टेक रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं, आप सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एक किसी चीज़ की रेट बताई जा रही है। तो हमने जो रूल पढ़ा उसमें है कि एग्जैक्ट कोई किसी चीज़ की हम रेट बताते हैं या फिर पेस उसकी गति बताते हैं उस चीज़ में, तो वहाँ पर हम उससे पहले एट का यूज़ करते हैं। तो इससे पहले हमने यहाँ पर एट का यूज़ समझ लिया कि यहाँ पर हम एट का यूज़ करेंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है, वह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी कार चलाता है। कोई है जो 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी कार चलाता है। तो यहाँ पर हमने किसी की गति के बारे में भी पढ़ा था कि दर या गति, इन दोनों के बारे में जब बात करेंगे तो हम इंग्लिश सेंटेंस में किसका यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। तो चलिए इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या बनता है, ही ड्राइव्स हिज कार एट 100 किलोमीटर पर हावर। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं इससे जुड़ा ही, उन्होंने 5 किलो चीनी ₹50 प्रति किलो की दर से खरीदी। उन्होंने 5 किलो चीनी ₹50 प्रति किलो की दर से खरीदी। तो यहाँ पर एक दर आ गई, किसी की कीमत आ गई। तो वहाँ पर हमने पढ़ा है कि एट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी की दर या गति के बारे में बात करते हैं सेंटेंस में। तो यहाँ पर दर आ चुकी है, तो हम यहाँ पर एट का यूज़ करेंगे सेंटेंस में। तो इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा इसका, ही बॉट 5 kg शुगर एट ₹50 per kg। तो इस तरह से इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा। चलिए अगला यूज़ देखते हैं हम इसका। 5 नंबर पे है हमारे पास एज दिखाने के लिए, मतलब कि किसी की उम्र बताने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं सेंटेंस में। तो गाइस इसको ध्यान से समझिएगा, इसके दो तरीके से हम यूज़ करेंगे। जो पहला यूज़ है इनका, ये इस तरीके से होगा, और दूसरा यूज़ आगे है, वह 10 साल का था। तो किसी की उम्र बताई जा रही है कि वह कितने साल का था, वह 10 साल का था। ही वॉज़ एट 10। ये हो गया इसका इंग्लिश सेंटेंस। मेरी माँ 50 साल की है, इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा, माई मदर इज़ एट 50। तो यहाँ पर हमने एट का यूज़ किया क्योंकि हम उम्र बता रहे हैं तो हम एट का यूज़ करेंगे। मैं 30 साल का हूँ, आई एम एट 30। ये हो गया एट का यूज़। अब एक और यूज़ है इसका, जब भी यहाँ पर तीन जो सेंटेंस लिखे हुए हैं उनमें आप लास्ट में देखिए ईयर्स ओल्ड आ रहा है। तो जो फर्स्ट वाले थे, इससे पहले वाले थे, उनमें हमने एट का यूज़ कर रखा था क्योंकि वहाँ पर हमने ओल्ड, ईयर्स ओल्ड नहीं लगा रखा था। अगर ईयर्स ओल्ड आएगा तब हम कभी भी एट का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि वह 10 साल का था। कोई कोई आदमी है या लड़का है, वह कितने साल का था, 10 साल का था। ही वॉज़ एट 10 ईयर ओल्ड। तो यह सेंटेंस बिल्कुल गलत है। इसकी जगह दूसरा सेंटेंस देखिए, मेरी माँ 50 साल की है, माई मदर इज़ 50 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर यह सेंटेंस बिल्कुल राइट है, माई मदर इज़ 50 ईयर्स ओल्ड। तो यह फर्स्ट सेंटेंस इसलिए लिख रखा था कि आप उस तरीके से इसको कंपेयर ना करें। जब भी ईयर्स ओल्ड लगाएंगे हम सेंटेंस में तो हम एट का यूज़ नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस है, राहुल 20 साल का है, राहुल इज 20 ईयर्स ओल्ड।
आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हम एट का यूज़ किस समय पर करते हैं और किस जगह पर नहीं करते हैं। अगर आपको ईयर्स ओल्ड लिखा हुआ आ जाए तब आप वहाँ पर एट का यूज़ नहीं करना है। गाइस अब देखते हैं हम यूज़ ऑफ ऑन। ऑन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, ये अब हम सारा कुछ देखेंगे। तो गाइस सबसे पहला हम यूज़ करते हैं ऑन का, वो करते हैं हम किसी वस्तु पर दूसरी वस्तु होने पर तथा आपस में छूने की स्थिति में ऑन का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु किसी वस्तु पर रखी हो और वो दोनों आपस में टच भी हो तब हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे बाय एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को हम, मेरी पुस्तक मेज़ पर है, मेरी जो किताब है वो कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, मेज़ पर है। तो यहाँ पर जो बुक है और जो टेबल है वो दोनों आपस में टच है, तो यहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे इंग्लिश सेंटेंस में। जैसे कि इंग्लिश सेंटेंस है माई बुक इज़ ऑन द टेबल, वह एक कुर्सी पर बैठी है, शी इज़ सिटिंग ऑन द चेयर। चलिए दूसरा यूज़ देखते हैं। दूसरा यूज़ हम करते हैं ऑन का डेट या डे के पहले ऑन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, वह सोमवार को लौटेगा, ही विल रिटर्न ऑन मंडे। तो यहाँ पर एक डे बता रहे हैं मंडे, तो यहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, प्रिया ने अपना काम 15 जनवरी 2019 को ख़त्म किया, प्रिया फिनिश देयर वर्क ऑन 15 जनवरी 2019। तो यहाँ पर एक डेट बता दी सीधी सीधी, तो यहाँ पर भी हम ऑन का यूज़ करेंगे। चलिए थर्ड यूज़ देखते हैं। थर्ड यूज़ हम ऑन का करते हैं यदि किसी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ डे या फिर पार्ट्स ऑफ डेट यूज़ हो रहे हो तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। पार्ट्स ऑफ डे और पार्ट्स ऑफ डेट ये क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ डे होते हैं जैसे मॉर्निंग हुआ, आफ्टरनून, इवनिंग, ये सारे हुए पार्ट्स ऑफ डे। और पार्ट्स ऑफ डेट जो कि पूरा महीना चलता है उसमें जो सारे दिन होते हैं एक से लगाकर 30 या 31 तक, उनका जो नंबर होता है उनको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ डेट। तो गाइस बाय एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वह सोमवार की रात को लौटा था, तो यहाँ पर एक पार्ट्स ऑफ डे बता दिया कि वो किस रात को लौटा था, सोमवार की रात को। सोमवार क्या है, एक डे है, मंडे है, तो वह मंडे की रात को लौटा था। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा, ही रिटर्न्ड ऑन द नाइट ऑफ मंडे। तो यहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे, सीधी सीधी बात है। अगला एग्जाम्पल है, वह 15 अगस्त 2019 की शाम को मुझसे मिलने आया था। तो यहाँ पर कोई तारीख दे रखी है और उसके बाद में उसका ही पार्ट्स ऑफ डे बता रखा है कि उस दिन, उस तारीख के उस दिन को वह कब आया था, शाम के टाइम मुझसे मिलने आया था, इवनिंग को। तो यहाँ पर भी पार्ट्स ऑफ डे बता दिया, डेट बताकर, तो यहाँ पर भी हम ऑन का यूज़ करेंगे। ही केम टू मीट मी ऑन द इवनिंग ऑफ 15 अगस्त 2019। तो आई होप आपको गाइस ये चीज़ समझ में आई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, क्या बताना चाहता हूँ आपको। चलिए अगला यूज़ देखते हैं, फोर्थ यूज़। फोर्थ यूज़ हम करते हैं कोई सेलिब्रेशन हुआ तथा कोई फेस्टिवल के पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को आप थोड़ा अच्छी तरीके से समझिएगा, इसके दो तरीके से मीनिंग निकलेंगे, आगे मैं बताता हूँ आपको वीडियो में। तो गाइस फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा बनता है, उन्होंने मुझे मेरे जन्मदिन पर बधाई दी, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई बर्थडे। तो यहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे क्योंकि हमने बर्थडे को क्या किया, सेलिब्रेट किया, मनाते हैं हम बर्थडे को, तो यहाँ पर हमने ऑन का यूज़ किया इस सेंटेंस में। अगला एग्जाम्पल है हमारा, वह छुट्टी पर आया था, तो इसने भी अपना जो हॉलीडे है जो सेलिब्रेट किया, तो ही केम ऑन द हॉलीडे। तो यहाँ पर भी ये सेलिब्रेट कर रहा है अपने हॉलीडे को। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, उसने मुझे दिवाली के दिन दिया, कोई चीज़ थी जो उसने मुझे कब दी, दिवाली के दिन दी, तो ही गिव मी इट ऑन दिवाली डे। तो दिवाली क्या एक फेस्टिवल है तो उसके लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। बट अब यहाँ पर तीनों सेंटेंस देखिए, उनमें लास्ट में डे आ रहा है और जब डे नहीं आए तब हम क्या करेंगे वो भी देखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल है आपके सामने, उन्होंने मुझे मेरी शादी की बधाई दी, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी एट माई मैरिज।
उन्होंने मुझे मेरी शादी की बधाई दी। तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, एट का यूज़ कर रखा है। बट शादी क्या है, एक फेस्ट जो एक सेलिब्रेशन करने वाली चीज़ है, ओकेशन है, पर यहाँ पर हमने एट का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर डे वर्ड पीछे नहीं आ रहा है। अगर डे वर्ड पीछे आए तब हम यहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे कि जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है, वह होली पर आया था, ही केम एट होली। अब यहाँ पर हमने ऑन का यूज़ नहीं किया, पर जो हिंदी सेंटेंस है, पर जो हिंदी सेंटेंस है उसमें हमने पर आ रहा है और नीचे ऑन आना चाहिए, पर यहाँ पर हमने एट का यूज़ किया क्योंकि जब पीछे डे नहीं आए, यानी कि जो इंग्लिश सेंटेंस है और हिंदी सेंटेंस है उसमें किसी दिन की बात नहीं हो तब हम एट का यूज़ करेंगे। तो आई होप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे अगर इस एक जो सेकेंड एग्जाम्पल है इसको हम इस तरीके से बोलें कि वह दिवाली पर आया था, तो इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा, ही केम एट दिवाली। वह दशहरे पर आया था, ही केम एट दशहरा। यहाँ पर हम ऑन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि पीछे डे नहीं आ रहा। और अगर हम इस सेंटेंस को इस तरीके से बोलें कि वह दिवाली के दिन दिन आया था, वह दिवाली के दिन आया था, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ही केम ऑन द दिवाली डे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए अगला यूज़ देखते हैं। फाइव नंबर पर हम यूज़ करते हैं इसका, यदि कोई किसी पर निर्भर हो तो ऑन का यूज़ किया जाता है। कोई मतलब कि कोई आदमी है किसी और पर निर्भर हो तब हम ऑन का यूज़ करते हैं। चलिए इससे जुड़े भी कुछ एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। लेखक लेखन पर जीवन जीवित रहता है, लेखक जो लेखन है उस पर जीवित रहता है। मतलब कि कोई लेखक है तो अपनी लेखनी पर ही वह जीवित रहता है, उसकी कमाई से वह अपना खर्चा पानी निकालता है। तो यहाँ पर क्या है, जो लेखक है वो किस पर निर्भर हो गया, अपनी लेखन पर, तो यहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे। द राइटर इज सर्वाइव्स ऑन राइटिंग। अगला एग्जाम्पल है, हम भोजन पर रहते हैं या हम भोजन से जीवित रहते हैं, वी लिव ऑन फूड। स्कूटर पेट्रोल पर चलता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि स्कूटर पेट्रोल पर चलता है, द स्कूटर रन ऑन पेट्रोल। तो यहाँ पर कारण बता दिया है कि किस कारण से वह किस पर निर्भर है, स्कूटर किस पर निर्भर है, पेट्रोल पर निर्भर है। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आई होगी। चलिए सिक्स यूज़ देखते हैं। सिक्स यूज़ हमारा है व्हीकल, कोई भी वाहन है के पहले कोई भी एग्जेक्टिव यूज़ होने पर ऑन का यूज़ किया जाता है। मतलब कि अगर सेंटेंस में हम वाहन किसी व्हीकल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर उससे पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तब हम वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। तो बाय एग्जाम्पल इसे भी देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वह उसकी साइकिल पर आ रहा था, ही वॉज अराइविंग ऑन हिज बाइसिकल। तो यहाँ पर कोई है किस पर आ रहा है, उसकी साइकिल पर। साइकिल यहाँ पर क्या हो गया, एक वाहन हो गया, और वह आ रहा था उसकी साइकिल पर, और ऑन से पहले क्या है, एक एडजेक्टिव आ रहा है यहाँ पर, हिज। तो हम यहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे इस सेंटेंस में। अगला सेंटेंस देखते हैं हम, मोहिनी मोटरसाइकिल पर नौकरी करने आई थी। मोहिनी किस पर आई थी, मोटरसाइकिल पर। तो यहाँ पर एक व्हीकल की बात हो गई, किस पर आई, मोटरसाइकिल पर। तो कहाँ आई, नौकरी के लिए। तो यहाँ पर इसके पास भी एक एडजेक्टिव आ गया मोटरसाइकिल से पहले, अ मोटरसाइकिल। तो मोहिनी केम टू जॉब ऑन अ मोटरसाइकिल। तो हम यहाँ पर भी ऑन का यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देख, तो गाइस सेवन यूज़ हम करते हैं ऑन का, राइडिंग सवारी दिखाने के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, जब भी कोई सवारी की बात आएगी तो किसी पर सवार होने की बात आएगी तो हम ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे वह घोड़े की पीठ पर सवार है, ही इज़ राइडिंग ऑन अ हॉर्स बैक। वह घोड़े की पीठ पर सवार है। अगला सेंटेंस है, वह ऊँट की पीठ पर सवार है, पलक इज़ राइडिंग ऑन अ कैमल्स बैक। अब देखते हैं आठवां और फाइनल यूज़, इसके बाद कोई यूज़ नहीं होगा, ये सारे यूज़ मैंने बता दिया आपको, ये लास्ट है। किसी से संबंध या विषय के अर्थ में हम ऑन का यूज़ करते हैं। इसे हम बाय एग्जाम्पल समझें तो बहुत बेहतरीन होगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा,
यह पुस्तक या यह किताब गणित पर है, यह किताब किसकी है, गणित की है, तो इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, जैसे ये किताब किसकी है, ये इंग्लिश की है, ये किताब किसकी है, मैथ की है, तो इस तरीके से हम बताते हैं ना, तो हम वहाँ पर ऑन का यूज़ करते हैं। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा दिस बुक इज़ ऑन मैथमेटिक्स। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है, मैंने भगत सिंह पर एक किताब खरीदी, या मैंने भगत सिंह की एक किताब खरीदी, इस तरीके से बोलते हैं ना हम, तो आई बॉट अ बुक ऑन भगत सिंह, इस तरीके से हम यहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे। तो ये जो किताब थी वो किससे रिलेटेड थी, भगत सिंह से, किससे संबंधित थी, भगत सिंह से, तो यहाँ पर संबंध बता दिया गया। चलिए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, आज का फाइनल एग्जाम्पल, मैंने महात्मा गांधी पर एक दिलचस्प किताब देखी, तो क्या देखी मैंने, एक दिलचस्प किताब किस पर देखी, महात्मा गांधी पर, तो रिलेशन किससे है, महात्मा गांधी से आपस में, तो यहाँ पर ऑन का यूज़ किया जाएगा। मैंने महात्मा गांधी पर एक दिलचस्प किताब देखी, इंग्लिश सेंटेंस बनेगा इसका, आई सॉ एन इंटरेस्टिंग बुक ऑन महात्मा गांधी। तो गाइस ये था आज का वीडियो लेक्चर हमारा 8 और ऑन के यूज़ के बारे में। आई होप आपको ये दोनों प्रीपोजिशन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आए हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि यही सारे यूज़ हैं एट एंड ऑन के जो हम करते हैं, और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यही सारे यूज़ हमारे काम में आते हैं। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो क्लासमेट थे इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और पास एक बेल आइकन है उसे भी हिट कीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं जो वीडियोस बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, हैव अ नाइस डे।